क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं कि रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक एन मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद विद कोन अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम सीट। उसने एक एल्यूमिनियम सीट का बनाया है, ये मॉडल तैयार किया जिसके दोनों एंड पे क्या लगे हुए कॉनिकल शेप है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि इस पूरे मॉडल की जो लेंथ दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है, और एक और पॉइंट गिवन है इसमें कह रहा है कि हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। अगर आप कोन की हाइट रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आप ये लिख सकते हैं मॉडल हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा आपका। अच्छा, हाइट ऑफ सिलेंडर ठीक है कितना हो जाएगा 12 माइनस, आप 2 इधर से माइनस करेंगे, 2 आप इधर से माइनस करेंगे, 2 और 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, टोटल कितना हो जाएगा 2 इधर से आप माइनस करेंगे ये हाइट और ये हाइट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 12 है तो बचेगा कितना 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, दोनों का रेडियस सेम है, हाइट दोनों की अलग है। अगर आप चाहो तो इसको हाइट स्मॉल लिख सकते हो और इसको हाइट कैपिटल में लिखना चाहो तो आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, तो आप इसको चाहे तो आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप इसको स्मॉल में लिख सकते हैं। दोनों का रेडियस सेम है तो आप कॉमन क्या ले सकते हैं पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इधर बचेगा आर और इधर कितना बचेगा 2/3 एच। बात क्लियर है, अच्छा पुट करेंगे वैल्यू में, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट, एच की वैल्यू कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और एच की वैल्यू कितना है इसका 2 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, अच्छा सॉल्व करेंगे इसको, इससे काट देंगे 11 × 9/14 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 7 × 2 = 14 और इसको पूरे कैंसिल करेंगे 28 हो जाएगा, 7 × 4 = 28 इसको आप कैंसिल करेंगे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 ये हो जाएगा कितना 99, इसको आप चाहे तो इससे इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 3/33 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है,